एक मोड़ आया, मैं वक्त दिल छोड़ आया। दोस्तों अनिल शर्मा के डायरेक्शन में कदर टू की काफी समय से चर्चा हो रही है। सनी देओल मूवी में जहां तारा सिंह बने हुए नजर आने वाले हैं, वहीं अमीषा पटेल सकीना के किरदार को बड़े पर्दे पर दोहराते हुए दिखाई दी। दोनों की जोड़ी को गदर मचाते देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। और इसी की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए मेकर्स ने हाल ही में गदर 2 का एक धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। गदर 2 में भी पहली मूवी गदर के ही तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच की नफरत साफ साफ दिख रही है। लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। मूवी की कहानी लोगों को पसंद आ ही रही है। सबसे अधिक लोग इसमें के डायलॉग दीवाने होते जा रहे हैं। पहले पार्ट में जहां सनी देओल अपनी पत्नी अमीषा पटेल को बचाने पाकिस्तान जाते हैं, वहीं इस बार अपने बेटे जीते यानी उत्कर्ष शर्मा को बचाने के लिए सरहद पार करेंगे। उत्कर्ष इस बार सैनिक के रूप में दिखाई देने वाले हैं। इमोशन का पूरा तड़का लगाती इस मूवी के ट्रेलर ने हर किसी का दिल छू लिया है। तो वहीं इस धमाकेदार ट्रेलर में इस मूवी के पहले पार्ट का मोस्ट डिमांडिंग सॉन्ग मैं निकला गड्डी लेके का रिमेक वर्जन भी हमें सुनने को मिल रहा है। बताए दोस्तों कि मैं निकला गड्डी लेके तो पहले उदित नारायण ने गाया था, जिनकी आवाज ने इस गाने को और भी सुपर हिट बना दिया था। आज भी इस गाने का क्रेज बरकरार है। हालांकि अब गदर 2 उदित नारायण के साथ एक और पॉपुलर सिंगर अपनी आवाज देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत सिंह उदित नारायण के साथ इस गाने को गाएंगे। और इस सॉन्ग को कंपोज किया है मिथुन ने। मेकर्स ओरिजिनल ट्रैक में ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस गाने से लोग सालों से जुड़े हुए हैं। खबरों की माने तो इस सॉन्ग को एक हफ्ते के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा जी मुझे कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है गदर 2 मूवी के मैं निकला गड्डी लेके सॉन्ग को सुनने और देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो।